hello students good afternoon all of you today we are going to solve and understand the workbook examples and so everyone must have to open the page number 24 from your workbook let us solve the workbook for the chapter number 9 fraction 2 first we have to solve the concept 9.1 fraction of a number but first we have to solve the recall section so here we do have the multiple choice questions अ क्वार्टर ऑफ सिक्सटीन चॉकलेट्स इज देखो सिक्सटीन चॉकलेट्स के क्वार्टर मतलब उसका फोर्थ पार्ट चाहिए तो हमें पता है फोर फोरजार सिक्सटीन सो कितने चॉकलेट्स होंगे उसके फोर्थ पार्ट में यस दैट इज़ द फोर चॉकलेट्स आर देर फाइव चॉकलेट्स है ऑप्शन बी सेवन चॉकलेट्स से सी सिक्स चॉकलेट से बट फोर फोरजारिक्सटीन मतलब क्वार्टर किस तरह होगा उसका फोर चॉकलेट का सो वी हैव टू राइट डाउन हीयर

थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व एंड थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन तो फाइव बॉल्स मतलब ही क्या होगा कि एक थर्ड होगा किसका फिफ्टीन का क्योंकि फाइव के बॉल्स के अगर थ्री पार्ट एक तो वही कुल मिलाकर पार्ट होते हैं हमारे फिफ्टीन बॉल्स सो यहाँ पर बीज और कट ऑप्शन सो यू याई डाउन द बी ओवर ईयर नाउ थर्ड वन एग्ज़ाम्पल हाफ अ डज़न पेंस तो हमें पता है वन डजन पेंस कितने होते हैं ट्वेल्व होते हैं तो हाफ डजन पेन कितने होंगे यस हाफ डज़न पेंस होते हैं आपके सिक्स पेंस क्योंकि सिक्स का ही पूरा मतलब सिक्स प्लस सिक्स ही होते हैं आपके कंप्लीट ट्वेल्व दैट इज़ अ ट्वेल्व होते हैं वन डज़न में कितने होते हैं पेन्स में वन डज़न होते हैं आपके ट्वेल्व जो ट्वेल्व क्वांटिटी होती है वो वन डजन होती है सो यहाँ पर पेंस कितने आएंगे सिक्स पेंस और ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन नाउ लेट एस लर्न एंड अंडरस्टैंड रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग्जाम्पल फोर हाफ ऑफ मीटर अपीमीटर यस वी नो दैट हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है आपका वन मीटर और हाफ अगर मीटर है तो हमारा होगा देखो हाफ मीटर है तो हमारा होगा वन हाफ मल्टीप्लाई बाय होगा आपका हंड्रेड दैट इज द हंड्रेड अपॉन टू होगा टू वन जार वन टू फाइव जार एंड जीरो जार तो यहाँ पर आते हैं हमारे कितने यस फिफ्टी सेंटीमीटर वॉट इज आवर आंसर फिफ्टी सेंटीमीटर सो स्टूडेंट्स यस हियर आवर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट इज द फिफ्टी सेंटीमीटर सो हियर वी आर टू राइट द ए नाउ वन फोर्थ ऑफ एन आर इज सो देख वन फोर्थ मतलब क्वार्टर टाइम होता है क्वार्टर मतलब ऑलरेडी वी नो दैट क्वार्टर मीन्स हाउ मच यस वी नो दैट इट्स अ फिफ्टीन मिनट्स ओके सो हियर ऑप्शन बी इज अवर कटेट ऑप्शन दैट इज द फिफ्टीन मिनट्स नाव वन फिफ्थ ऑफ अ किलोग्राम इज हाउ मच ग्राम्स वन किलोग्राम हमें पता है यस वी नो दैट वन किलोग्राम होता है आपका कितना वन थाउजेंड ग्राम का मेजरमेंट में हमें पता है सो so, यहां पर को अगर उसका वन फिफ करना है सो so हमें क्या करना पड़ेगा कि वन थाउजेंड को डिवाइड करना है फाइव से सो यस फाइव वन जार वन फाइव टू जार टेन और जीरो जीरो किया तो यहां पर हमारा जवाब बताए टू हंड्रेड सो यस अवर टू हंड्रेड ग्राम्स इज द वन फिफ ग्राम्स ऑफ अ किलोग्राम्स और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ लेट अस सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी है यहाँ पर देखो टू थर्ड ऑफ नाइन सो दैट इज़ यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे तो टू थर्ड ऑफ नाइन मतलब इसको मल्टीप्लाई होता है दैट इज़ अ टू इन टू तो नाइन डिवाइड बाई थ्री विनो द डिवीजन थ्री वन जार वन थ्री थ्री जार नाइन थ्री टू जार देन यस थ्री टू जार सिक्स थ्री और टू का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना था आपका सिक्स आता है उसी तरह से आप ऐसे भी कर सकते नाइन टू जार एटीन डिवाइड बाय थ्री थ्री वन जार वन थ्री सिक्स जार एटीन सो आवर ऑप्शन इज द सिक्स सो आवर आंसर इज द सिक्स और ईयर दैट इज़ द टू थर्ड ऑफ नाइन इज द सिक्स नाउ सिमिलरली वी डू हैव द एग्जाम्पल नंबर एट वन सेवेंथ ऑफ फोर्टीन सो यस वन सेवेंथ ऑफ फोरटीन मतलब होता है इस तरह से दैट इज़ 1 into 14 upon 7. That is 14 ones are 14 upon 7. So that is the 7 ones are 1, 7 twos are. So our, our answer is the 2. So here our answer is the 2. Definitely you can solve that example. And your answer should be here 10. I know that you can easily solve. So that is for your homework part. Okay, students. Now let us solve very short answer questions. फाइन थ्री फोर्थ ऑफ अ मीटर इन सेंटीमीटर सो पहले तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वन मीटर कितना होता है सो वन मीटर होता है हमारा हंड्रेड सेंटीमीटर हमें थ्री फोर्थ ऑफ अ मीटर ढूंढना है सो so, इस तरह से हम लिख सकते हैं देखो कि देन थ्री फोर्थ ऑफ वन मीटर सो दैट इज़ द थ्री फोर्थ ऑफ कितना होगा हमारा हंड्रेड सेंटीमीटर ओके सो so, यहाँ पर आएगा देखो थ्री इन टू हंड्रेड डिवाइड बाय आएगा आपका फोर सो दैट इज द थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय आपका आएगा फोर डिवीजन आपको पता है डेफिनेटली स्टूडेंट्स किस तरह से करते हैं हम तो यहाँ पर देखो एक रफ में यहाँ पर मैं डिवीजन करने जा रहा हूँ यू हैव टू ऑल्सो डू द डिवीजन इन रफ रफ पेजेस पर आपको क्या करनी है डिविजन कंप्लीट करनी है लेट अस डू द डिविजन ऑन द रफ पेज थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई फोर वी नो दैट थर्टी के पास का नंबर हमें ढूंढना है फोर सेवेन जार ट्वेंटी एट येस सो रिमेनिंग वॉट यहाँ पर तो नहीं रहते तो यहाँ पर टेन यहाँ पर रहते आपके टू टेन माइनस एट इज़ द टू टू माइनस टू इज द जीरो कैरी फॉरवर्ड लिए यहाँ पर डाउन लिए नंबर ज़ीरो सो फोर फाइव जार ट्वेंटी

दैट मीन्स आपका होता है वन फिफ्थ मल्टीप्लाई बाय थर्टी दैट इज वन इन टू थर्टी अपॉन फाइव थर्टी वन जार थर्टी अपॉन फाइव और ये तो बहुत ईजी डिविजन है फाइव वन जर वन एंड फाइव सिक्स आर थर्टी सो आवर आंसर इज दिक्स सो आवर आंसर इज दिक्स सिमिलरली वी डू हैव दैट एग्जाम्पल सो आई नो दैट दैट एग्जाम्पल इज वेरी मच इजी फॉर यू देन विद द हेल्प ऑफ अबाउ एग्जाम्पल यू कैन ईजिली सॉल्व दैट एग्जाम्पल ओके स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन है और सिमिलरली हमारे टेंथ वन एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर भी आपको क्या करना है मीटर को लिखना है हंड्रेड सेंटीमीटर और यहाँ पर कन्वर्जन करना है सो so, ये भी एग्जाम्पल हम मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए क्योंकि ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल सेम मैनर से करने हैं जैसे कि हमने सॉल्व किया है टेंथ वन एग्जाम्पल बट नाउ हियर इन द फोर्टीन वन एग्जाम्पल देर इज सम न्यू कंसेप्ट सो लेट एज सॉल्व द फर्स्ट ए वन एग्जाम्पल सो यू कैन ईजिली सॉल्व द बी वन एग्जाम्पल एज अ होमवर्क सो वी डू हैव वन सिक्स ऑफ एन आर इन मिनट्स सो हमें पता है बट वन आर दैट इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट ये हमें बात पता है ओके सो वन सिक्स ऑफ एन आवर दैट इज़ द वन आवर आएगा आपका सो वन सिक्स मल्टीप्लाई आएगा आपका कितने मिनट आएगा आपका सिक्सटी मिनट सो दैट इज इसका इक्वल क्या होता है आपका यस yes, इसका इक्वल होता है आपका वन इंटू सिक्सटी अपॉन सिक्स सिक्सटी वन जार्सटी अपॉन सिक्स सो यहाँ पर हो जाती सब्ट्रैक्शन डिवीजन uh, बहुत ही ईजीली टेन सो दैट इज द टेन मिनट्स एंड आवर आंसर इज द टेन मिनट्स सिमिलरली फॉर द बी वन एग्जाम्पल यू कैन ईजिली सॉल्व दैट टू फिफ्टीन ऑफ एंड आर तो ये आपको करना है यहाँ पर क्या करनी है लेकिन आपको डिविजन करनी है तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपको डिवाइड करना है सिक्स टू जर जो आपका आएगा वन ट्वेंटी डिवाइड बाई फिफ्टी होगा यहाँ पर फिफ्टीन होगा सो दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व इन योर वर्कबुक बुक प्रॉपरली सो दैट एग्जाम्पल इज फॉर योर होमवर्क पार्ट स्टिल इफ यू डू हैव एनी क्वेरी यू यू कैन आस्क मी एनी टाइम ओके स्टूडेंट नाउ लेट एस टर्न द पेज एंड ओपन द पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स हियर वी हैव द सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आर देयर तो देखो यहाँ पर है कि फाइंड वन हाफ ऑफ द डेज इन जून इन आवर्स तो आपको इन आवर्स में यहाँ पर ढूंढने की वन हाफ ऑफ द डेज इन जून और इन आवर्स में आपको क्या करना है यहाँ पर ढूंढना है लेट एस सॉल्व दैट एग्जाम्पल्स सो फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर ए वन दैट इज़ द वन हाफ ऑफ द डेज इन अ जून बट हाउ मनी डेज़ इन अ जून जून में कितने डेज होते हैं तो उसके पहले हम हाफ करेंगे बाद में इनको हाउस में हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे सो डेज़ इन अ जून डेज़ इन जून कितने डेज़ होते हैं जून में टोटल यस टोटल डेज़ होते हैं जून में यहाँ पर थर्टी डेज़ कैसे ढूंढना है आपको पता है जनवरी जहाँ पर ऊपर होता है यहाँ पर ऊपर का पोर्शन का हम लेते हैं थर्टी वन बेस यहाँ पर जो क्रश होता है ट्रफ एंड क्रश कहते हैं हम उसको मतलब ऊपर का तो इसको हम कहते हैं जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल में फिर थर्टी होते है जून जुलाई जनवरी फेबरुरी मार्च अप्रैल मई और जून जून में यहाँ पर खाई आई है जहाँ पर चढ़ाव होता है वहाँ पर हम लेते थर्टी वन जहाँ पर खाई है, आई है वहाँ पर लेने हमें थर्टी तो जून में कितने होते हैं थर्टी होते हैं सो so, उसके पहले तो हम हाफ करेंगे सो हाफ ऑफ द डेज ऑफ जून दैट इज़ अ वन हाफ ऑफ जून डेज दैट मीन्स वन हाफ ऑफ थर्टी दैट मीन्स थर्टी अपॉन थर्टी वन जार थर्टी अपॉन्ट टू टू वन जार वन और यहाँ पर होता है तो डिवीजन आप करके देख सकते हैं सो टू वन जार वन एंड टू फाइव ज़ार टेन सो आपकी डिवीजन कुछ इस तरह से आएगी कि टू वन जार टू वन रिमेनिंग ऊपर से लिया ज़ीरो टू फाइव जार टेन सो आपकी डिवीजन रिमेन्डर आएगा जीरो और आंसर आएगा, आएगा आपका फिफ्टीन तो इस तरह से यहाँ पर भी आता है आपका फिफ्टीन सो यू हैव टू राइट डाउन द वन फाइव फिफ्टीन डेज़ बट नाव यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेज इन अ आवर्स तो इन फिफ्टीन डेज़ का अगर हमें हावर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम यस फिफ्टीन इन टू वन डे में कितने आवर्स होते हैं दट इज़ द ट्वेंटी फ़ोर आवर्स होते हैं सो so हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिफ्टीन डेज मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर तो so, जब ही आप मल्टीफिकेशन करोगे देन योर आंसर विल कम सो लेट अस डू द मल्टीफिकेशन वी नो द हाउ टू डू द मल्टीफिकेशन ऑफ टू नंबर्स पता है हमें किस तरह से करते हैं फोर फाइव आर ट्वेंटी ज़ीरो टू हो गया आपका क्या कैरी फॉरवर्ड फोर वन जार फोर प्लस टू दैट इज द दिक्स देन आप ज़ीरो लगा देते हो देन टू फाइव आर टेन तो आपका ज़ीरो आएगा वन आएगा, आएगा आपका कैरी फॉरवर्ड टू वनज आर टू प्लस वन

ओके स्टूडेंट सिमिलरली यू कैन सॉल्व अदर एग्ज़ाम्पल्स सो वन मोर मंथ आई विल सॉल्व फॉर यू लाइक अ बी वन एग्जाम्पल इन द बी वन एग्ज़ाम्पल वी डू हैव द सेप्टेंबर मंथ जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर सेप्टेंबर आया खाई में सितंबर में कितने दिन होंगे यहाँ पर थर्टी डेज सो अगेन डेज इन सेप्टेंबर कितने डेज है यहाँ पर यस yes, डेज है यहाँ पर थ्री जीरो थर्टी सो अगेन वी हैव टू सॉल्व दैट इज द वन थर्ड ऑफ थर्टी सो दैट इज थर्टी वन जार थर्टी एंड डिवाइड बाय थ्री सो थ्री वन जार एंड थ्री टेन जार सो अवर आंसर इज द टेन डेज कितने डेज़ होंगे यहाँ पर हमारे टेन डेज एंड वेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट द टेन डेज इन टू आवर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द ट्वेंटी फोर और ये तो बहुत ईजी आपको पता है ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फोर करना है और जीरो एज इट लगना है दैट मीन्स टू हंड्रेड फोर्टी आवर्स ओके सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व द सी एंड डी वन आई हैव रिटन यर लार्जर बट यू कैन ईजिली सॉल्व द

सो वी नो दैट वन किलोग्राम इज इक्वल टू होते हैं हमारे वन थाउजेंड ग्राम्स ओके स्टूडेंट सो अगर हमें थ्री फोर्थ करना है तो हम इजीली काम कर सकते दैट इज थ्री फोर्थ इंटू वन किलोग्राम दैट मीन्स थ्री फोर्थ ऑफ वन थाउजेंड ग्राम्स सो अगर इसको ये करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं यस वन थाउजेंड इंटू थ्री तो आपका होगा देखो यहाँ पर थ्री थाउजेंड डिवाइड बाय फोर सो सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या करनी है डिवीज़न करनी है लेटेस्ट डू द डिवीजन इन रफ वर्क चलो रफ में हम क्या करते हैं यहाँ पर डिवीज़न करते है डिवाइड कर देते हैं लेटेस्ट डू द डिवीज़न सो डिवाइड थ्री थाउजेंड एंड फोर विनो दैट फोर सेवेंज आर ट्वेंटी एट रिमेनिंग वाट यस यहाँ पर तो ये नहीं होते तो टू और यहाँ पर टेन रहते हैं टेन माइनस टू इज़ टेन माइनस एट इज़ द टू टू माइनस टू इज द ज़ीरो टेकिंग ज़ीरो डाउन फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज द ज़ीरो एंड ज़ीरो टेकिंग अगेन ज़ीरो डाउन सो तो फोर ज़ीरो ज़ार जब तक डिविज़न ख़त्म नहीं होते तब तक हम करते हैं दैट इज़ द जीरो अब ऊपर से लेने का वो नंबर नहीं है और ये जो नंबर हमारा आया है ये भी क्या है हमारे नंबर से क्या है स्मॉलर एक सो यहाँ पर डिवीज़न होती है कम्प्लीट सो और आंसर इज़ द सेवन हंड्रेड फिफ्टी सो वॉट इज़ आवर आंसर और आंसर इज़ द सेवन हंड्रेड फिफ्टी दैट इज़ द ग्राम्स ओके सो ए वन एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है सो आवर आंसर इज द सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स सिमिलरली यू कैन सॉल्व द बी वन सी वन एंड डी वन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात है बस आपको क्या करना है जो भी फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है थाउजेंड्स से एंड देन योर आंसर विल कम डेफिनेटली ओके स्टूडेंट्स सो दैट अदर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर योर होमवर्क पार्ट स्टिल इफ यू डू हैव क्वेरी for any examples you can ask me okay now let us learn and move ahead some more examples that is some application that is the word problems so here we do have the short answer question from the page number 27 in a mathematics test of 100 marks cma scored 3/4 of the maximum marks हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर तो देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे मैथमेटिक्स टेस्ट में दैट इज द हंड्रेड मार्क्स सीमा ने स्कोर किए हैं थ्री फोर्थ मार्क्स तो सीमा स्कोर का स्कोर कितने किए हैं तो सीमा स्कोर थ्री फोर्थ मार्क्स थ्री फोर्थ मार्क। मतलब हम इस तरह से लिखते हैं थ्री फोर्थ मार्क्स मैक्स मार्क मैक्सिमम मार्क्स कितने थे मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे हंड्रेड सो वी कैन फाइंड आउट सो मार्क्स स्कोर बाय सीमा कितने होंगे यहाँ पर यस हम लिख सकते कुछ इस तरह से दैट इज़ अ थ्री फोर्थ ऑफ हंड्रेड तो हंड्रेड में से ही उसने किए थे ना सो थ्री फोर्थ ऑफ हंड्रेड तो जब थ्री फोर्थ ऑफ हंड्रेड किस तरह से सॉल्व करेंगे चलो नेक्स्ट स्टेप नीचे के से इसमें करते हैं दैट इज अ थ्री फोर्थ इंटू हंड्रेड सो दैट इज़ इक्वल टू थ्री इंटू हंड्रेड अपॉन फोर दैट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड थ्री वन जार थ्री अपॉन फोर एंड डेफिनेटली ये डिवीज़न हमने की थी पहले ही ऑलरेडी पीछे के पेज पर भी की है इफ़ यू नो दैट थ्री हंड्रेड अपऑन फोर क्या है था हमारा जवाब यस सेवेंटी फाइव सो आंसर इज सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव मार्क्स कोड सो शी स्कोर एट द एंड वी कैन राइट डाउन शी स्कोर सेवेंटी फाइव मार्क्स ओके स्टूडेंट्स सो इट इज सो इजी एग्जाम्पल जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई

टोटल चॉकलेट्स आर देर टोटल चॉकलेट इज द फोर्टी एंड हाफ ऑफ द पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज दाफ ऑफ फोर्टी कितनी के हैं हाफ ऑफ फोर्टी तो वही हमें हाउंड फाइंड आउट करना है सो नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज इक्वल टू आएगा देखो हमारा वन हाफ ऑफ फोर्टी दैट इज द वन इन टू फोर्टी अपॉन टू दैट इज इक्वल टू फोर्टी अपॉन टू एंड डेफिनेटली यू नो द डिविजन टू वन जार वन टू टू जार जीरो एंड ट्वेंटी तो इसकी डिवीजन कितनी आएगी हमारी ट्वेंटी आएगी ओके स्टूडेंट्स सो यहाँ पर कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए यस yes. सो so, ट्वेंटी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्वेंटी चॉकलेट्स 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 डिस्ट्रीब्यूटेड Okay, so that is our answer that 20 chocolates distributed. Okay, students, let us solve now some long answer questions. Example 19 are there. A bag has 48 balls. One third of these are blue, one fourth are red, and one sixth are yellow. What is the total number of blue and red balls? If the remaining balls are orange, what is the number of orange balls? तो चलो यहाँ पर देखो कुल मिलाकर 48 एट बॉल्स उस है उसमें से वन थर्ड कितने हैं ब्लू कलर के हैं वन फोर्थ कितने हैं रेड कलर के हैं और वन सिक्स जो है वो है येलो कलर के तो हमें क्या करना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल्स ये पहले फाइंड आउट करना है एंड देन वी हैव टू डू दैट इफ द रिमेनिंग बॉल्स आर ऑरेंज तो हमें सब्शन भी करनी पड़ेगी इन सबको ऐड करके एंड देन नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स भी हमें क्या करने हैं ढूंढने हैं लेट अस डू दैट एग्जांपल तो पहले तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने है, वो लिखेंगे हम सो टोटल बॉल्स दैट इज इक्वल टू फोर्टी एट सो नाउ नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स दैट इज इक्वल टू ये कितने हैं हमारे वन थर्ड ऑफ टोटल बॉल दैट इज द फोर्टी एट सो यहाँ पर होगा हमारा देखो फोर्टी एट डिवाइड बाय थ्री चलो डिवीजन करके दिखाते हैं हम रफ में मतलब हमें क्या करना है देखो फोर्टी एट को थ्री से डिवाइड करना है थ्री वन जार थ्री रिमेनिंग वन ऊपर से लिए एट थ्री सिक्स जार एटीन तो देखो आ गया जीरो जीरो वट इज आवर आंसर आवर आंसर इज द 16 सो so, 16 बॉल्स जो क्या है ब्लू कलर के तो so, 16 बॉल्स कौन से कलर के आ गए आपके ब्लू कलर्स के नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 1/4 आर रेड तो 1/4 कितने हैं रेड हैं सो so, हम फाइंड आउट कर सकते कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स हम ही ढूंढेंगे वो कितने हैं वन फोर्थ ऑफ फोर्टी एट सो दैट इज द फोर्टी एट अपॉन फोर सो करते हैं डिवीजन अगेन लेकिन यहाँ पर फोर्टी एट को इससे करना है फोर से फोर वन जार फोर रिमेनिंग जीरो एट नंबर लिया ऊपर से फोर टू जार एट सो आ गया आपका रिमाइंडर जीरो और यहाँ पर आ गया नंबर ट्वेल्व से यहाँ पर हो गया देखो फोर वन जार वन एंड फोर टू जार एट सो वन एंड टू ठीक है तो यहाँ पर जाओ क्या अब आपका आ गया ट्वेल्व ओके स्टूडेंट्स तो मतलब ट्वेल्व बॉल्स जो थे वो कितने थे आपके रेड बॉल्स थे नाउ वी हैव नंबर ऑफ वन सिक्स आर येलो वन सिक्स कितने हैं येलो है सो वी हैव नंबर ऑफ येलो बॉल्स नंबर ऑफ येलो बॉल्स दैट इज इक्वल टू आएगा फिर हमारा वन सिक्स ऑफ फोर्टी एट दैट इज़ द फोर्टी एट डिवाइड बाय सिक्स ओके सो लेट अस डू द डिवीजन डिवीजन हम करेंगे रफ में चलो फोर्टी एट है सेवन जार फोर्टी एट 6 8s are sorry 6 8s are 48 so our answer is the 8 so 8 balls are yellow balls so yes so we find the number of red balls number of yellow balls and number of blue balls so our first question is what is the total number of blue and red balls

यस ब्लू बॉल्स कितने थे हमारे सिक्सटीन एंड रेड बॉल्स कितने हैं ट्वेल्व एक सो दैट इज द 16 प्लस ट्वेल्व एडिशन करते हैं टेन प्लस टेन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस एट दैट इज द ट्वेंटी एट बिकॉज सिक्स प्लस टू इज द एट एंड वन प्लस वन इज द टू ट्वेंटी एट सो ट्वेंटी एट बॉल्स आर ब्लू एंड रेड बॉल्स आर ट्वेंटी एट दैट इज द सम ऑफ द ब्लू एंड रेड बॉल्स बट आगे आपको पूछा है क्या पूछा है आगे यस yes. आगे पूछा है आपको इफ द रिमेनिंग बॉल्स आर ऑरेंज वट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स तो रिमेनिंग बॉल्स कौन से हैं ऑरेंज बॉल्स से तो यहाँ पर मतलब क्या करना पड़ेगा हमें जो अभी सारे बॉल्स से मतलब जो हमने निकाले हैं कि ब्लू रेड और येलो ये कितने हमें ढूंढने उसको फिर सबटेक्ट करना है हमें सो नंबर ऑफ ब्लू रेड लो बॉल्स ये कितने होंगे फिर हमारे येस yes. देखो ब्लू एंड रेड बॉल्स की टोटल हमने ऑलरेडी किए तो ये होंगे हमारे ट्वेंटी एट प्लस हमारे कौन से येलो बॉल्स डेट इज़ द एट बॉल्स ट्वेंटी एट प्लस एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स कितना आता है जवाब हमारा यस थर्टी सिक्स सो so, ये आ गए हमारे तीन कलर्स के बॉल बट ये हमारे कुल मिलाकर फोर्टी एट होते क्या नहीं सो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल ऑरेंज बॉल्स कैसे निकाल सकते हैं फिर हम यहाँ पर ऑल बॉल में से दैट इज द फोर्टी एट में से हमें इन सब की सम क्या करनी पड़ेगी सब्ट्रैक करनी पड़ेगी दैट इज द फोर्टी एट माइनस थर्टी सिक्स सो यस यू नो द लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन रफली पता है आपको कैसे करते हैं फोर्टी एट माइनस थर्टी सिक्स एट में से सिक्स गए रह गए आपके टू सिक्स सेवन एट सो टू रह गए फोर में से थ्री गए तो रह गए आपके वन दैट इज द ट्वेल्व सो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स आर दैट इज द रिमेनिंग ऑरेंज बॉल्स आर ट्वेल्व सो ट्वेल्व नंबर्स आपको यही पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स सो ऑरेंज बॉल्स आर 12 numbers. So that is our answer, students. I hope so. That example you understand. Similarly, in the same way, you do have the example. That is the example number 20. So, students, that example you have to do as a homework. Okay, students. Still, if you have any query to solving the examples, you can ask me okay the next part that is from the page number 29 we will learn in the next video bye, bye for now take care